हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आपने टीवी सीरियल सपना बाबुल की विदाई देखा होगा जो 2007 में आया था। इस सीरियल ने कई दर्शकों के दिलों को छू लिया था। सीरियल भले ही अब प्रसारित ना हो रहा हो लेकिन आज भी ये लोगों की जुबान पर बना हुआ है। सीरियल में रागिनी और साधना के किरदार को हर किसी ने पसंद किया और इन दोनों ने हर एक के दिल में अपनी जगह बना ली। बता दें कि साधना का किरदार सारा खान ने निभाया था तो रागिनी का किरदार पारुल चौहान ने निभाया था। आज हम आपको पारुल चौहान के बारे में बताने वाले जो कि अब पहले से ज्यादा बोल्ड, स्टाइलिश और गुड लुकिंग हो गई है। जहां वो इस सीरियल में एक सीधी सादी लड़की दिखती थी लेकिन आज आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे। पारुल चौहान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और कई तरीके की तस्वीरें और बोल्ड अंदाज में उन्होंने अपने लुक को अपने दर्शकों के बीच रखा है। इसके अलावा उनके फैंस उनको काफी कमेंट भी कर रहे हैं। वे यहां तक कह रहे हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि ये वही रागिनी है। दोस्तों आपको बता दें कि विदाई के बाद रागिनी यानी कि पारुल ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर पॉपुलर हुई थी। फैंस ने इन दोनों ही किरदारों में पारुल को पसंद किया था। दोस्तों वे धर्मयुद्ध गरुड़ सीरियल में नजर आ रही हैं। फैंस को उनका ये सीरियल भी काफी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों विदाई की रागिनी काफी स्मार्ट और स्टाइलिश हो चुकी है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और आए दिन अपने बोल्ड अंदाज से अपने दर्शकों का दिल जीतती रहती है। दोस्तों आपको रागिनी यानी कि पारुल चौहान कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।